जिले में वन विभाग के द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों से तेंदूपत्ता की खरीदी प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए खरीदी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं एवं मौसम परिवर्तन के कारण तेंदूपत्ता की गुणवत्ता को देखते हुए खरीदी लक्ष्य तक पहुंच पाना वन विभाग कर्मचारियों के लिए आसान नहीं होगा। बालाघाट जिला वन संपदा से घिरा हुआ है, जिसमें तेंदूपत्ता संग्रहण से प्राप्त आय गरीब मजदूरों के लिए जीवन दायिनी साबित होती है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो समर्थन मूल्य 250 रुपए प्रति मानक बोरे की दर से मानी जा रही है, जिसमें अच्छी आमदनी यहां के लोगों को प्राप्त होती है। वहीं वन विभाग के द्वारा संग्राहकों को वन्य प्राणियों से बचाने एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के उपाय बतलाए गए हैं एवं खरीदी केंद्रों में सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखें, ऐसी नसीहत भी दी जा रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से देवेंद्र खरे की रिपोर्ट। मैं ब्रजेंद्र श्रीवास्तव हूँ, उत्तर समान वन मंडल अधिकारी। सर, ये जो तेंदूपत्ते की खरीदी स्टार्ट हुई है, इसके क्या मापदंड हैं? ये देखिए, इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण कार 2020 में अभी प्रत्येक मानक बोरा 2500 रुपये का दर निर्धारित हुआ है जो संग्राहकों को प्राप्त होगा, और इस वर्ष 51,100 मानक बोरा का लक्ष्य पूरे वनमंडल हेतु निर्धारित किया गया है जो हमारा मुख्यालय संघ मुख्यालय भोपाल द्वारा। और लॉकडाउन के चलते थोड़ा सा कार्य प्रभावित होने का अंदेशा था, लेकिन कोरोना संक्रमण से संबंधित जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका पालन करते हुए हम लोग ने पूरे सावधानी बरतते हुए लगभग 10 तारीख से 10 से 12 तारीख निर्धारित की थी तेंदूपत्ता को तोड़ के जो है यहाँ पे फड़ के संग्रहित करने के लिए। तो कुछ फड़ जो है 10 तारीख से प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि इस बार एक दो दिन पहले वर्षा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और 11 तारीख से भी कुछ है, और आज 12 तारीख से लगभग सारे फड़ जो है वनमंडल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वो प्रारंभ हो गए हैं। सर, जो नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो कैसे करा सकते हैं? उनके लिए भी फड़ पे व्यवस्था है। पहले हमारे लगभग 50,000 करीब के संग्राहक थे जिनका कार्ड परंपरागत तौर से पिछले साल बन चुका है, वो लोग रहेंगे। प्लस इसके अलावा कुछ और संग्राहक कार्ड हर फड़ पे व्यवस्था की गई है, और यदि कोई संग्राहक जो यहाँ का है अब अपने पूरे दस्तावेज दिखाता है जो किसी कारणवश पिछले साल छूट गया था, उनको भी जोड़ने की जो है आफ्टर प्रॉपर उनका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है उनको जोड़ने का प्रावधान है। सर, कोरोना वायरस को देखते हुए यहाँ पे क्या सुविधा की जा रही है? कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जैसे सभी को पता है जो निर्देश जारी किए गए थे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है, जहाँ फड़ पे जब आवक करते हैं तेंदूपत्ता की गड्डियाँ लाते हैं तो उन्हें अपना मास्क लगाए रखना है। इसके अलावा जो है हर फड़ पे आपको हाथ धोने के लिए जो है पानी की व्यवस्था है, साबुन की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र की है, और जब आवक कराते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इनको गोले भी चिन्हित करके बना दिए गए हैं ताकि वो खड़े होके और दूरी बनाते हुए सावधानी बरतते हुए इसका पालन करते हुए जो है अपना संग्रहण और आवक कार्य करते हैं। सर, ये जो संग्रहण के अभी अपन देख रहे हैं कि जंगलों में इस साल वन्य प्राणी की काफ़ी गतिविधि दिख रही है, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या निर्देश जारी किया? ये देखिए, ये हर साल का परंपरागत तौर से होने वाला कार्य है संग्रहण कार्य, और ऐसे समय में जब होता है जब गर्मियां ज़्यादा रहती हैं, और इसी समय हमारा महुआ संग्रहण का कार्य भी अप्रैल के समय में होता है और तेंदूपत्ता संग्रहण का भी कार्य अप्रैल मई के आसपास होता है। तो भीषण गर्मी के चलते वन्य प्राणियों के लिए भी थोड़ा सा पानी की सुविधा और पानी की उपलब्धता जंगल के अंदर कम होती रहती है, जिसके तहत वो जो है थोड़ा सा रिहायशी क्षेत्र या जहाँ पे आदमियों का सेटलमेंट है उस तरफ मूव करते हैं, उनका मूवमेंट भी ज़्यादा रहता है। तो इसके चलते हर साल ये निर्देश जारी किए जाते हैं, मुनादी कराई जाती है, जो भी हमारे गांव जंगल से लगे हुए हैं वहाँ विशेष तौर से वन्य प्राणी की इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, कभी भालू घायल कर देता है किसी तालाब के नीचे, कभी जो है तेंदुआ का द्वारा कुछ प्रकरण करा जाता है, तो उसमें पर्याप्त मुनादी कराई जाती है कि आप जब भी ऐसे क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण या महुआ संग्रहण के लिए जाएँ तो एक ग्रुप बना के जाएँ और अपने आप को विशेष तौर से जो है सतर्क रखें, बच्चों को अंदर रखें अंधेरा होने के बाद। तो ये व्यापक निर्देश और मुनादी हर साल कराई जाती है। जी, धन्यवाद सर।